मटर एवं मसूर एक दलहनी फसल है। हमारे प्रदेश झारखंड में बहुत से किसान इसकी खेती से जुड़े हुए हैं और वे कीटों से होने वाले नुकसान का सामना भी करते हैं। कीट है वो चाहे मसूर हो चाहे आपका जो है मटर हो, ये दोनों में आता है, वो है एफिड। जैसे अभी देखेंगे कि फॉगी वेदर है, फॉगी कहने का मतलब कुहासा छाया हुआ रहता है, तो कुहासा जैसे ही छाया हुआ है तो एफिड का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो जाता है। चाहे चना हो चाहे आपका जो है मसूर हो, पूरा का पूरा जो है उसमें अचानक से, चूंकि ये पार्थेनोजेनेसिस इसका जो है विकसित होता है, तो पार्थेनोजेनेसिस विकसित होने के वजह से क्या होता है कि इसमें अपने जो क्रोसिड है वो आपका होल्ड करके पकड़ करके रखता है और डायरेक्ट नीम्फ उससे रिलीज होता है। तो अचानक से इसकी पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपको समझना और नियंत्रण करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वैसे परिस्थिति में जो है इमिडाक्लोप्रिड जो है उसका हम लोग छिड़काव कर सकते हैं। तो इमिडाक्लोप्रिड जो है 2 लीटर पानी में 1 ml जो है उस दवा का घोल बना करके अगर छिड़काव करते हैं तो रस चूसने वाले कीटों को भी हम नियंत्रण कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है अगर मान लीजिए अगर ज़रूरत पड़ता है तो अगर रेगुलर हमको छिड़काव करना है तो नीम से निर्मित जो है बहुत सारा दवा है, चाहे वह आप निम्बेस्टिन हुआ या निमारीन हुआ या आपका वैनगार्ड हुआ, तो इसके लिए जो है हम लोग क्या करते हैं कि उसका आप 5 ml जो है पर लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं। तो किसान बंधु जो है रोग और बीमारी से और या कीट से आप अपनी फसल को सुरक्षा कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका फसल भी जो है हेल्दी और स्वस्थ रहेगा और उत्पादन भी आप अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से किसान भाई वैज्ञानिकों के बताए गए मार्ग पर चलकर मटर तथा मसूर में लगने वाले रोग एवं कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं और अपने फसलों की पैदावार बढ़ा सकते हैं।